जिला पंचायत मुरादाबाद के वार्ड संख्या 18 से सदस्य पद के लिए बहुजन समाज पार्टी समर्थित उम्मीदवार लगातार राहुल पाशा क्षेत्र में जाकर जनता को अपनी प्राथमिकताओं से अवगत करा रहे हैं। उनके द्वारा जो कार्य कराए गए हैं उस पर जनता को बताया जा रहा है। राहुल पाशा कहते हैं कि उनके द्वारा सभी 18-19 ग्राम पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कराए गए। एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत जाने के लिए कच्चे रास्तों पर मिट्टी भराव का काम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना मनरेगा के द्वारा कई सड़कों का निर्माण जिला पंचायत से उनके द्वारा कराया गया। बहुजन समाज पार्टी से वार्ड 18 के प्रत्याशी राहुल पाशा द्वारा कहा गया कि वह लगातार जनमानस से संपर्क कर रहे हैं और वोट की अपील भी कर रहे हैं। राहुल पाशा कहते हैं कि मैं लगातार जनता की सेवा कर रहा हूं और आगे भी सेवा करता रहूंगा। मेरा फिलहाल तो वार्ड 18 बना नया, पहले वार्ड 44 हुआ करता था। पिछले 5 साल में जो आपने काम कराए हैं उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, तो किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको? जी, बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत मोहब्बतें मिल रही हैं। मैंने बहुत विकास कार्य किया है, शायद जितना कार्य मेरे वार्ड में हुआ दूसरे वार्डों में नहीं हुआ होगा। जैसा कि ग्राम रतनपुर कला में लंबी तालाब से मनोहरपुर संपर्क मार्ग तक 2 किलोमीटर मिट्टी खड़ंजा कराया, उसके बाद उस पर डामर रोड कराई, और रतनपुर कला में ही डींगरपुर पाकुड़ा संपर्क मार्ग से 9 बजे ज्यादा होते हुए मालीपुर संपर्क मार्ग तक 2 किलोमीटर मिट्टी खड़ंजा कराया है। और इसके अलावा जैसे क्या जाडवो में धर्मशाला है, टेलीफोन एक्सचेंज है, वहाँ मैंने पानी की प्याऊ और एक लाइट लगवाई है, और इसके अलावा मलिकों का मदरसा है अगली तरफ, वहाँ भी एक पानी की प्याऊ एक लाइट लगवाई है। इसके अलावा बुद्ध की बाजार है रतनपुर कला में, वहाँ एक पानी की प्याऊ एक लाइट लगवाई है, और उधर ठाकुरों में डुकरा तालाब है उधर भी एक पानी की प्याऊ एक लाइट लगवाई है, और जामा मस्जिद पे एक पानी की प्याऊ लगवाई है, और रतनपुर कला घुमसानी किराए पर मैंने पानी की प्याऊ यात्री टीन सेट और लाइट की व्यवस्था कराई है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर काफ़ी जगह और भी लाइटें मैंने लगवाई हैं, 200 लाइटें, और इससे और अन्य गांव में जाया जाते क्या रतनपुर कला में तो बहुत विकास किया। इससे पहले जो मेंबर रहे थे किसी ने रतनपुर कला में किसी की तख्ती नहीं मिलेगी, मेरी तख्ती लग रही है। इसके अलावा ग्राम हमारा भांडरी है, बाउंड्री पड़ता है, वहाँ भी करबला पे हमने एक यात्री सेट, एक पानी की प्याऊ, एक लाइट, और मस्जिदों पे लाइट, और ग्राम बाउंड्री में ही महेश जाटप का मकान है, वहाँ भी एक पानी की प्याऊ और एक लाइट, और आप भांडरा आ जाइए, भांडरा में हमने भांडरा बाउंड्री संपर्क मार्ग से अतर सिंह के मकान तक मिट्टी खड़ंजा कार्य कराया है जो कि बाहर का रास्ता था, और भांडरा में भी सर्वेश प्रधान वाले चौक पर हमने एक पानी की प्याऊ लाइट, और जाटपुर मंदिर में भी लाइट, दोनों मंदिरों पर लाइटों की व्यवस्था कराई है। अच्छा, आगामी दिनों में जैसे अल्लाह ताला अगर आपको दोबारा मौका देता है जनता की खिदमत करने का, तो कौन कौन से काम है जो सबसे पहले कराओगे? अब हम शिक्षा पर भी ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे, और जो बाकी सड़कें हमारे क्षेत्र में जो है 30-40 वर्षों से MP MLA हमारे सामने बनते आते, हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया था, यही मकसद था हमारा। हम तो बिजनेस का अपना किसान आदमी थे, लेकिन राजनीति में आने का मकसद ये था कि जो ये लोग विकास नहीं कर रहे हैं, रास्ते पड़े हुए थे, जैसे कि बहादुरपुर से मिलक तक हमने खड़ंजा बनवाया, ये बहुत पहले की मिट्टी पड़ा हुआ किसी ने नहीं बनवाया था, और मिलक से फिर गंगबारी बनवाया, और गंगबारी से लालपुर बनवाया, और करमपुर से भांडरा जुड़वाया, ये सब काम जो किसी भी पहले MP MLA ने किसी ने न किए, हम अपने क्षेत्र में आए तो हमने काम किए, जो अधूरे काम पड़े हैं उनको आगे इनको सबको पूरा करेंगे। जैसे क्या करीमपुर जत्ती से लेके फतेहपुर तक कच्ची सड़क पड़ी हुई है, वो भी 30-40 साल से, उसको काम कराएंगे, और लालपुर गंगवारी से लेकर माँ फतेहपुर तक एक कच्ची सड़क पड़ी हुई है, उसे भी सही कराएंगे, और एक लालपुर से रसगुलपुर की तरफ सड़क पड़ी हुई जो कि हमारे गिरफ्तार लगे हुए हैं, उस काम कराएंगे, और रतनपुर कला में बकैनिया चौराहे से जो इतवार की बाजार आ रहा है वो PWD में हमने अपने प्रयास करके अपनी लेटर पर पास करा लिया काम, इंशाल्लाह 6 मीटर 24 CC रोड और 3x3 के नाले बिल्कुल प्रस्ताव पास है, और आचार संहिता हटते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। क्या आश्वासन देना चाहते हो जनता को? जी, जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हो? जनता को हम आश्वासन, सामाजिक जो सुविधाएं हैं, जैसे क्या ठंड के मौसम में हम अपनी तरफ से भी काफ़ी कंबल वगैरह वितरण करते हैं, और सामाजिक सेवाओं हर संभव, जैसे शादी है, ब्याह है, गरीब बच्चों की शादियाँ हैं, उनमें भी सामाजिक तौर पर हम हर संभव मदद करने तैयार खड़े रहते हैं, और जनता को आश्वासन देना चाहते हैं कि और हमें अगर मौका दिया इंशाल्लाह तो हम
जो है स्वास्थ्य में जो पिछड़ा इलाका और शिक्षा में पिछड़ा है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। अभी अपने प्यारे भाई और बहनों, सबसे ये जो कोरोना चल रहा है, सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, उस पर भी एक अपील करनी चाहूँगा कि सभी लोग सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से उसका अनुपालन करें और जो सरकार के निर्देश हैं उसका पालन करें और कोरोना महामारी से हर संभव बचने का, अपने परिवार को, गांव को बचाने का प्रयास करें। हमारे प्रयास से